एवेंजर्स तो चूतिया है, डीसी के सुपर हीरोज तो महा चूतिया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अनऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दूं, जो कि अभी स्टूडियो की तरफ से भी आने ही वाला है, कि F10 में हमें विलन के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं डार्क साइड और थेनोस। यस, डीसी और एमसीयू दोनों का विलन अब हमें इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में देखने को मिला, क्योंकि डोमिनिक टोरेटो और इसकी टीम के पास सिर्फ कॉस्ट्यूम्स नहीं है और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान नहीं किया कि हमारे पास सुपर पावर्स है, क्योंकि हम लोग किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। F9 को देखने के बाद तो मेरे जितने भी ओपिनियन थे इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर, पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को लेकर, पूरे के पूरे बदल चुके, और इतने हद तक बदले कि उसके बाद मैं इतना बागी हो गया जितना बागी तो टाइगर श्रॉफ भी नहीं था अपनी मूवी में। खैर, बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जिसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर जिनका नाम है जगजीत सिंह भाई, बड़े टीवी पे देखने बोला था, तो ले भाई बड़े टीवी पे देख लिया। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 आवर 22 मिनट्स की, और ये आपको फिलहाल इंग्लिश में देखने को मिलेगी, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सब लैंग्वेज में जाकर देख लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवी का जो एक्सपीरियंस है वाकई में थिएटर में ही है, टीवी और मोबाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं है यार। मूवी के अगर प्लॉट की बात करूं तो डोमिनिक टोराटो लेटी और अपने बेटी बेटे के साथ सुकून से रह रहा है, लेकिन उसको पता है कि खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए वो फुल तैयारी में रहता है, एकदम ट्रेनिंग ब्रेनिंग के साथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब डोमिनिक के दूसरे टीम मेंबर यानी कि रोमन तय जो राम से आते हैं एक नया मिशन लेकर। वो मिशन क्या है उसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद कैसे डोमिनिक के भाई जेकोब यानी कि जॉन सीना की एंट्री होती है, फिर क्या कुछ होता है, कैसे हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे इन्फिनिटी स्टोन को देख रहे हैं, यानी कि इस मूवी में जो चीज बताई है वो लिटरली किसी इन्फिनिटी स्टोन से कम नहीं लगा मुझे। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। लेकिन इस मूवी की सबसे शॉकिंग बात बताओ कि जितने भी वो अंग्रेज लोग हैं, इन लोगों ने IMDb इस मूवी की जो जमकर बजाई है ना भाई, 5.3 की रेटिंग दी है, अभी प्रेजेंट में 5.3 की रेटिंग चल रही है, जो कि अब तक की इस फ्रेंचाइज की सबसे लोएस्ट रेटिंग है। ऐसा नहीं कि ये मूवी इतनी रेटिंग डिजर्व करती है, लेकिन वो जो फॉरेनर्स है उन लोगों को अक्कल है, वो तो साले चूतिया, उन लोगों को मूवी की तमीज है। अबे हम इंडियंस को देखो, सनी देओल की मूवीज को हम लोग कितना चेरिस करते हैं, जब सनी देओल एक को फाइट मारता है और विलन की मुंडी जब जमीन में गड़ जाती है, उसका धड़ भार रहता है, तो हमको लगता है ओहो हम लोग ऐसा करते, तो हम लोग इस तरीके के एक्शन से यूज टू है। हम लोग रोहित शेट्टी की मूवीज देखते हैं जहां पर कार ऐसे उड़ती है जैसे कि बलून उड़ रहे गैस वाले, तो हम लोग को ये सब चल जाता है। तुम फॉरेनर्स लोग, तुम लोग चूतिया, तुम लोग को क्या तमीज है मूवी की यार, 5.3 की रेटिंग दी, इतनी कम रेटिंग दी है। अबे इस मूवी को मेरे ख्याल से तो 5 की रेटिंग मिलना चाहिए थी, आई मीन 6.5 की रेटिंग मिलना चाहिए थी। मूवी में अगर एक्शन की बात करूँ तो देखो यार, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में हमेशा ओवर द टॉप एक्शन होते हैं, और फॉरेनर्स लोग का कहना भी है कि इस बार उन लोगों ने इतना ज्यादा ओवर द टॉप भागा है, इतना ज्यादा ओवर द टॉप भागा है कि उसको समेटना मुश्किल हो गया, यानी कि ऐसे एक्शन दिखाए जो एक बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। और चलो मूवीज में हमेशा एंटरटेनमेंट पर्पज से एक्शन बताते हैं, और ज्यादा एक्शन तो रियल लाइफ में कर भी नहीं सकते, लेकिन F9 में इस बार उन्होंने ऐसे एक्शन बताया, करना तो छोड़ो स्क्रीन पर देख भी नहीं पा रहे, और ऐसे ऐसे एक्शन है जहां पर ऑडियंस को दांतों तले उंगलियां नहीं, दांतों तले सब कुछ चबाना पड़ जा रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे वो लोग एक्शन को। और जब मैंने इस पर्टिकुलर मूवी के एक्शन सीन देखा तो सीरियसली कुछ एक्शन सीन मुझे बहुत अच्छे लगे, और ग्रेड के हिसाब से अच्छे लगे, लेकिन कुछ वाकई में इतने ज्यादा अजीब से है जो वर्ड्स नहीं है। और हद तो तब खत्म हो जाती है जब उन लोगों ने स्पेस में कार को लेके चले गए। यार नासा वाले भी भेड़ से सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों के पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग रॉकेट इतनी मगजमारी करके भेज पाते हैं, और हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयज है, उन लोग को इतनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सालों को इतना खिलाना पड़ता है, इतना खर्चा करना पड़ता है, हर एक मिशन में इतना पैसा लगाना पड़ता है, और F9 वालों ने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया, सालों ने कार भेज दी स्पेस में, और वो भी ऐसे दो जोकर लोग के साथ भेजी जिन लोगों को घंटा ट्रेनिंग कुछ नहीं है, और जो लोग वहां पर स्पेस पे जो कारनामा करते हैं ना, वो कारनामा देखकर आपको दिल करेगा कि अगर आप लोग टेलीविजन पे देखो तो टेलीविजन तोड़ दोगे। लेकिन उसके अलावा मूवी में जो क्लाइमेक्स का है, जो मैग्नेटिक वाला एक्शन बताया, वो काफी हद तक काफी यूनिक लगा, अच्छा भी लगा, और वहां पर सिचुएशन अच्छी तरह से, लेकिन ओवरऑल एक्शन को देखा है तो सच में वो लोगों ने वाहियात काम किया है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको अब तक के फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स, कुछ तो मतलब उनके पहले की मूवीज के वो भी कैरेक्टर्स देखने मिले जिनको देखकर खुशी हुई, और कुछ तो भाई लोगों ने मरे हुए कैरेक्टर को भी जिंदा कर दिया, और मरे हुए कैरेक्टर को ऐसा जिंदा किया जहां पर हमको ऐसा लगता है कि यार इसकी क्या जरूरत थी, और किया तो किया तो उसको एक्सप्लेन लोग इस तरह से कर रहे हैं कि जब बच्चा कोई गलती कर देता तो वो बच्चा अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए किस तरीके से बातें घुमाता, ये वो अरे उस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई हम लोग को वो सारे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुमको उनको जिंदा करना था, तुम लोग कर दिए, और जिंदा करने का एक रीजन ये है कि F10 जो कि इस फ्रेंचाइज का आखिरी पार्ट होने वाला है, तो ये जितने भी एक्टर्स है उनको एक परफेक्ट फेयरवेल देने के लिए सारा चूतिया बचा, बाकी ये सारे कैरेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं थी, नो नीड।
अच्छा हुआ ड्वेन जॉनसन ने मना कर दिया आगे वाले पार्ट्स करने के लिए, क्योंकि वो समझ गया कि आगे चल के ये लोग इससे भी बड़ी बकचोदी, इससे भी बड़े चुतिया पकड़ने वाले, जो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ जूते मारेगी। मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस का पता नहीं भाई, इंडियन ऑडियंस पता नहीं इस मूवी को भी मास्टरपीस का दर्जा दे दे। अगर ऐसा भी होगा तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी भाई। ऑडियंस के नजरिए से देखा जाए तो मूवी वाकई में एंटरटेनिंग है, एंटरटेन करती है, लेकिन डिपेंड करता है भाई कि वो पब्लिक किस तरह से। मेरी तरह से पब्लिक रहेगी तो भाई वो आधे मूवी से बोलेगी नहीं माँ का बहुत जाने दो पिक्चर, हमको नहीं देखनी की भाई। अगर बीजीएम की बात को तो बीजीएम अच्छा है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को अच्छी तरह से किया, लेकिन अगर जॉन सिन्हा की बात करो जो कि इस फ्रेंचाइज में एक नया फेज है, तो जॉन सिन्हा ने ऐसे एक्टिंग की जैसे कि अर्नोल्ड ने टर्मिनेटर में की थी। ये समझना मुश्किल हो जा रहा है कि जॉन सिन्हा एक ह्यूमन है कि मशीन है, क्योंकि वो कुछ कुछ सीन ऐसा चल रहा है। अरे यार ऐसा कौन चलता है, जॉन सिन्हा एक बहुत ही अच्छे रेसलर है, बहुत ही अच्छा WWE में वो प्रोमो भी करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में उनके एक्सप्रेशन और जिस तरह से वो चल रहे, जिस तरह से वो एक्शन कर रहे, कहीं से भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इस मूवी में सुटेबल है। हालांकि उनको देखकर अच्छा लगता है और वो विन डीजल के कैरेक्टर टॉम को टक्कर भी बहुत बढ़िया दे रहे, लेकिन फिर भी जो मजा रॉक ने इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में लेकर आया था ना, वो कहीं ना कहीं जॉन सिन्हा ने नहीं लेकर आ पाए। और जॉन सिन्हा का रोल इस मूवी में उतना दमदार है भी नहीं। उसके अलावा चार्लीज थेरॉन जो कि यहाँ पर साइपर का रोल प्ले करती है, यार उसको तो टोटल वेस्ट किया, टोटल वेस्ट किया भाई, सीरियसली वेस्ट किया। मतलब यार उस वो बंदी को क्या बोलूं यार, मतलब स्पॉयलर्स मुंह से निकल जाएगा। मूवी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्लॉट, इतना सेंसलेस है, इतना प्रिडिक्टेबल है कि भाई कोई बच्चा भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि अब ये होगा और एंड में ये होगा, और ऐसा होता भी है। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा कि ऐसी मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख देख सकते हो। इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग अकेले देखो, जाके बिंदास देखो। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वर्स्ट मूवी इन दिस फ्रेंचाइज, सीरियसली इट्स अ वर्स्ट। रीजन बहुत सारे यार, डेफिनेटली ये इस फ्रेंचाइज की अब तक की सबसे घटिया मूवी है, जिसको अपग्रेड करने के चक्कर में वो लोग ने इतना अपग्रेड कर दिया जो ऑडियंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। भक्त बनो लेकिन ऐसे अंधभक्त मत बनो कि बाद में तुमको ही जूते खाने पड़े। इस मूवी के अगर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात करो तो भाई इसने $626.6 million की कमाई की है अब तक, और पेंडेमिक इरा में ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक बनी है और एक के ये टॉप पर है फिलहाल। लेकिन अगर इसके प्रीवियस मूवीज के कलेक्शन की बात करो तो 1.2 बिलियन क्रॉस किया है। तो अगर इस हिसाब से देखा है तो अभी तक इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को $600 million का लॉस हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब आपको लगेगा भाई कोविड की सिचुएशन है और कई जगह पे थिएटर्स भी नहीं खुले, तो लेकिन भाई स्टूडियोज को इससे फर्क नहीं पड़ता, स्टूडियोज को अपना पैसा चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडियो के हिसाब से देखा तो ये मूवी को एक अच्छा खासा लॉस हुआ है, और इतना लॉस हुआ है कि भाई हॉब्स एंड शो जो कि स्पिन ऑफ था उसने भी इस मूवी से ज्यादा कलेक्शन किया, यानी कि $750 million का। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी फ्लॉप होती है। इंडिया में भी रिलीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा भाई ये मूवी 50 करोड़ कमा पाएगी, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी कमाएगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।